बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज वाले। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी हमने दराज के ऊपर अकाउंट बनाया, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाए। स्टार्ट में तो जो है वो हमें ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक ही दम जो है वो हमारे जो है ऑर्डर्स की जो मतलब डेली रूटीन है वो डिक्रीज हो गई। मतलब कि हमें ऑर्डर जो है वो आना बंद हो गए बिल्कुल। मतलब एक दो हफ्ते पहले तो हमें ऑर्डर्स आते रहे, लेकिन एकदम क्या हुआ, वो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो डिक्रीज हो गए। इसकी मेन रीजन क्या है? ठीक है, जो लोग दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यू आए हैं दराज के ऊपर काम करने के लिए, उनको स्टार्ट में सारा कुछ जो है दराज थोड़ा सा ग्रो कर देता है। ठीक है, आपको दराज की जो है अल्गोरिथम जो है उसका नहीं पता कि दराज के जो सर्कल्स होते हैं वो किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अगर दराज के ऊपर काम कर रहे हैं और स्टार्ट में जो है वो आपको ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा आ रहे थे और एक ही दम जो है वो आपके ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, तो इसकी मेन रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्कल में या इस वीक में आपको जो है वो ऑर्डर ज्यादा आ रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, रेडी टू शिप उनको कभी कभी लेट कर दिया ऑर्डर, या कोई आपको फेक रिव्यूज आ गया या कोई रिटर्न आ गया आपको सर्कल में, तो दराज का जो सर्कल है वो तकरीबन 2 वीक्स का होता है। ठीक है, वो हर 2 हफ्ते के बाद आपको जीमेल आपके जो सेलर डैशबोर्ड है वो और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको बताता रहता है। ठीक है, अब 2 वीक जो है वो आपका काम चलता रहा, ठीक है, और जो दो अगर नेक्स्ट जो 2 वीक्स हैं उसमें जो आके आपको जो है वो ऑर्डर्स की जो रेशियो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो इसका सिंपल हल ये है कि जो आपने प्रोडक्ट की या जो आपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है तो उसको आप लिस्टिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल, 7 प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक प्रोडक्ट की 2 या 3 लिस्टिंग करें। ठीक है ना, अगर उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको तो उसकी आपने 2 या 3 लिस्टिंग जो है वो मजीद कर देनी है, पैक ऑफर 2, पैक ऑफर 3। एक तो ये स्टेप हो गया कि आपने लिस्टिंग जो है वो इंक्रीज कर देनी है, और सेकंड स्टेप ये है कि आपका जो स्टोर है उसको आपने थोड़ा सा डेकोरेट करना है। वीक में 1 या 2 टाइम जो है वो आप उसको डेकोरेट कर दिया करें, मीन के पब्लिश रिलीज करके शेयर कर दिया करें। ठीक है, एक काम, दो काम तो ये हो गए। अब तीसरा आपने काम क्या करना है कि न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने हैं। हालांकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन आप लिस्ट कर दें, उसके ऊपर जैसे ही ऑर्डर आए आपने जो है उसकी इन्वेंट्री मंगवा लेनी है। इन्वेंट्री से पहले आपने लिस्ट करके चेक करना है, एक तो तीसरा काम हो गया ये। और चौथा काम है कि आपने जो है जितने भी आपके कस्टमर जो बने हैं उनको आप कहें कि हमें इसके ऊपर अच्छे रिव्यूज दें, चाहे उनको आप कॉल करनी पड़े, चाहे उनके पीछे लगना पड़े, आपने उनसे रिव्यूज लेने हैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि दराज के अंदर रिव्यूज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, एक पांचवा काम तो ये हो गया। तो इन कामों के जरिए आप जो है अपनी दराज की जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है कि इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करें। ठीक है, तो स्टार्ट में आपकी सेल्स कम हुई है तो इन नेक्स्ट जो है सर्कल में तो आपकी जो ये सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन 5 स्टेप्स को आपने माइंड में रख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।